सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ठाकुर संसार। टुडे इज 26th ऑफ अगस्त एंड आज है सैटरडे और मैं आपको देने वाला हूँ होम टूर जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। तो आइए शुरू करते हैं होम टूर। सबसे पहले मैं बाहर से दिखाता हूँ। सो यहाँ पे हमारा शू रैक पड़ा है, उसके अलावा यहाँ पे ना एक और ऐसा एडिशनल मिला था, इसके अंदर भी हमने एडिशनल बॉक्सेस रख दिए, कुछ ऊपर रखे हैं, अच्छे से रखा है, ये कारपेट है। और आइए चलिए अंदर चलते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये है किचन। ये पिछली बार से स्पेशियस है काफ़ी, उसका स्लैब भी कितना बड़ा है और स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा है। दो हमने अपना फ्रिज यहाँ रखा है हॉल में, पर हम बाद में शायद इसको यहाँ पे शिफ्ट कर, फिलहाल यहाँ पे पड़ा हुआ है। गैस का पॉइंट यहाँ से था तो हमें गैस इधर रखनी पड़ी। बाकी ये है पूरा आरओ, इस बार हमको बिल्ट मिला है इसमें। और ये है पूरा हॉल, हॉल को भी हमने मिनिमल रखा है। यहाँ पे बैटरी पड़ी है, इन्वर्टर पड़ा है, यहाँ पे बस एक स्टूल पड़ा है, बाकी इसको भी खाली छोड़ा है। सोचा था कि सोफे वगैरह रेंट से ले लेंगे, यहाँ पे बहुत आसान होते हैं चीज़ें रेंट पे लेना, लेकिन अभी कुछ नहीं लिया, अभी इसको खाली छोड़ा है, बाद में देखेंगे इसको कुछ भरना होगा। तो यहाँ हमने कुछ इंडोर प्लांट्स रखे हैं और ये वाली लाइट, ये मैंने कहीं बाहर से भैया से ली थी और ये काफ़ी अच्छी लगती है रात को जब इनके आसपास जलती है। तो एक ये भी है, ये पूरा लुक काफ़ी अच्छा लगता है इनका। और ये हॉल काफ़ी स्पेशियस है और बड़ा है, तो हम बैडमिंटन नहीं खेल सकते, मैं तो खेल पाऊँ, इससे मेरी बैडमिंटन की बॉल प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये इसका एक एडिशनल एडवांटेज है। फिलहाल के लिए इन्वर्टर ऐसे ईटों पे रखा हुआ है, लेकिन हम इसकी जल्दी ट्रॉली लेने वाले हैं, इसको अच्छे से प्रॉपर ट्रॉली पे सेट करेंगे। ये हैं सारे रूम्स, मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। ये है मेरा रूम, इधर है बेड, स्टडी टेबल, इस पर विंडो एसी है, स्प्लिट एसी नहीं है। और ये भी एक स्टोरेज है रखने के लिए, अलमारी भी काफ़ी स्पेशियस है, नीचे भी जगह है, ऊपर भी जगह है। और ये अटैच वॉशरूम, और इधर से ना लाइट आती थी, वैसे पर्दे हैं लेकिन इस वाले के लिए स्पेशली इस कॉर्नर के लिए हमने यहाँ पे वाइट चार्ट लगा दिया है, ऊपर तो पर्दे हैं ही। और मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू, बैल्कनी व्यू। ये है बैल्कनी, तो ये दिखता है पूरा बाहर का व्यू। बाहर भी बेसिन है और ये देखिए यहाँ पे हमने ये हैंगिंग वाले पॉट्स लिए थे और इसमें हमने प्लांट्स लगा लिए हैं। और इधर ना यहाँ पे कनेक्शन है जिसमें काफ़ी अच्छा प्रेशर आता है, तो हम सोच रहे हैं हमने अभी फुल ऑटोमेटिक मशीन मंगाई है तो इधर ही रखेंगे बैल्कनी में। इधर ही हम उधर स्पेस है, इधर भी हम यहाँ रख सकते हैं हमारी फुल ऑटोमेटिक मशीन को जो कि कल आ जाएगी। यहाँ पे और भी प्लांट्स पड़े हैं, आपको दिखाते हैं करके। ये मैंने पुदीना लगाया है, जो मेरा रूममेट है पुनी, उनको भी काफ़ी शौक है गार्डनिंग का, तो हमने मंगाए थे। तो एक तो पुदीना इतना अच्छा लग रहा है, खिल रहा है काफ़ी अच्छा, ये भी पुनीत की पसंद। और ये एलोवेरा भी हम पहले लेकर आए थे, और ये सदाबहार वाला प्लांट हमने इस बार लिया है, और ये एक और ये भी पहले वाला ही था। तो ये पूरा लुक है बैल्कनी का। और ऊपर हमारा चढ़ते नहीं है इस पर, तो इससे ऊपर छत का रास्ता है, तो मैं चढ़ तो गया हूँ, तो कभी थोड़ा बहुत वॉक करने का मन करे तो हम चढ़ जाते हैं, वैसे हम नहीं चढ़ते हैं इस पे जनरली। मैं आपको ना दूसरे रूम की बैल्कनी दिखाता हूँ। तो मेरे रूम के अलावा सिर्फ इस वाले रूम में बैल्कनी है, इसका मैं दिखा देता हूँ। इसकी बैल्कनी ऐसी नॉर्मल सी है, इसमें हमने कुछ खराब रखा नहीं है, तो हम यहाँ पे भी रख सकते हैं वॉशिंग मशीन, या वहाँ पे भी रख सकते हैं, वहाँ पे ना कनेक्शन था मेरी वाली बैल्कनी में, तो वहाँ रख सकते हैं। यहाँ से भी पीछे का यही व्यू दिखता है। सो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का एरिया कैसा है। सो ये है इधर की गलियाँ, पिछली बार ना जब वहाँ वाली जगह पे थे खुली गलियाँ नहीं थी, थोड़ा सा ना रेजिडेंशियल टाइप के, यहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह बहुत रहते हैं, छोटे छोटे पार्क बहुत सारे हैं। देखिए एक पार्क ये रहा, ऐसे रेजिडेंशियल एरिया में शिफ्ट करना अच्छी बात ही है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ऐसे माहौल में नहीं रहा था, लाइक फरीदाबाद के बाद तो ऐसा कभी ऐसे गली मोहल्ले वाले ऐसे घर नहीं मिले, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में भी सोसाइटीज़ हैं, हिमाचल में तो अलग ही टाइप का सीनैरियो है, वहाँ पर भी गुड़गांव में काफ़ी लाइक कंजस्टेड था। दूसरा पार्क ये है, ये थोड़ा सा बड़ा पार्क है उससे पहले वाले से, यहाँ पर देखिए झूले वगैरह भी लगे हुए हैं और ओपन जिम भी है। और एक और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको इस पार्क की, पहले पार्क में कड़ी पत्ते का पेड़, कड़ी पत्ते का प्लांट उगाना है तो हम सीड्स भी ले जा सकते हैं। कड़ी पत्ते का प्लांट उगाने के लिए सीड्स को सुखाना होगा अच्छे से, उसके बाद ये उग जाएंगे गमले में आराम से। तो अब भाई साहब मेरे 20-30 रुपये लगते थे 100 ग्राम मंगाने में कड़ी पत्ते का, अब मुझे फ्री में मिलता है इतना सारा। क्या सब्जियाँ वाला भी आते हैं उधर, तो सब्जी वाला आता नहीं था गुड़गांव में उधर वाले, और ग्रेटर नोएडा में तो ऐसी आती ही नहीं है, तो बिल्कुल फरीदाबाद में जैसा फील है इधर। सो ये पहला बाग घर से सबसे पास में ये वाला पार्क है, हम यहाँ पे ना नाइट को वॉक करने आ जाते हैं खाना खाने के बाद, मैं और मेरे फ्लैटमेट्स हैं। तो इधर शांति भी है प्लस पॉजिटिविटी भी है, तभी नहीं है कि बिल्कुल दूर है मार्केटों से, मार्केटें भी विद इन 1 किलोमीटर ही है, पास में सबसे बड़ा मार्केट है, तो चीज़ें पास में हैं, येट ये थोड़ा दूर है उनसे, और तब भी यहाँ पर थोड़ी शांति भी है। ये नीम का पेड़ है, नीम का ही लग रहा है वैसे तो। भैया ये नीम के पेड़ हैं, नीम के है ना, आपको ना इधर घर लोगों के घरों के आसपास बहुत सारे प्लांट्स मिल जाएंगे, लाइक लोगों ने काफ़ी प्लांट्स उगा रखे हैं। आप बताइए कितने हद तक सही है कि लोगों ने पेड़ काट काट के घर बना लिए, उसके बाद फिर प्लांट्स उगाते हैं, प्लांट लवर्स कहलाते हैं अपने आप को,
तो ये सही है या गलत है, क्योंकि कुछ ना से तो कुछ अच्छा ही है, अगर वो गा भी रहे हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन पेड़ जितनी वो चीज़ दे पाएगा उतना तो प्लांट नहीं दे पाएगा ऑब्वियसली। तो आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। ये बड़ा मंदिर है, इन प्रोग्रेस अभी बन रहा है, और उधर वो जो गेट है उधर है छोटा वाला मंदिर, और ये है पीपल का पेड़। हमारा छोटा सा प्यारा सा प्लेस और इसका होम टूर और आसपास जगह का व्यू कैसा है, आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो मेक श्योर यू लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया है। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मुझे जाना है फरीदाबाद में, आपके बिना उनका बर्थडे का ब्लॉग शुरू होगा, तब तक के लिए मजे कीजिए, टेक केयर, बाय बाय।